महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना शाखा निल्ढो हिंगना विधानसभा क्षेत्र नागपुर ग्रामीण द्वारा केंद्रीय परिवहन मंत्री और राज्य परिवहन मंत्री प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नागपुर ग्रामीण आरटीओ को कोरोना के पार्श्वभूमि पर और आर्थिक मंदी बेरोजगारी की परिस्थिति में परिवहन मिनी ट्रांसपोर्टर को आर्थिक दिलासा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के मिनी ट्रक और ऐसे विविध परिवहन वर्ग की ओर से महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल MIDC में विविध प्रकार के औद्योगिक कंपनी के गेट के सामने ओवरलोडिंग और विविध प्रकार के चालान के माध्यम से आर्थिक दंड लादा जा रहा है। इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना चिटनिस नागपुर ग्रामीण हिंगना महेश शाहू और स्थानिक शाखा के पदाधिकारी द्वारा मामला उठाया गया है। संबंधित विभाग को पत्र द्वारा परिस्थिति के बारे में सरकार को अवगत कराने की बात कही जा रही है। हेमंत गडकरी इनके मार्गदर्शन से महेश शाहू वाहतूक सेना चिटनिस नागपुर ग्रामीण के नेतृत्व और उप जिलाध्यक्ष योगेश चनापे की सलाह से सोपान टिकार नितिन भीवापुरे उमेश वासुलकर चांगदेव टिकार साबिर शेख जयंता योगेश रेवतकर शैलेश मोटखरे विजय नागोसे नीलेश्वर भोयर राजेश बोरेकर रामटेके गोपाल येलेकर राजेश अढ़ाऊ भावराव गिरीपुंजे प्रकाश येलेकर इकबाल मालधारी खुमन भाऊ जावेद शेख बालाश भीवपुरे भास्कर शभनकर किशोर हिफसे धीरज गेडाम मिलिन मेढे राहुल तलहार किशोर चौधरी की उपस्थिति में बयान दिया गया है। शासकीय पावती घे 600 रुपया की फक्त फिटनेस की पावती है आणि त्याचा दलाल लोक 2000 रुपये घेतात। त्याचप्रमाणे अनेक प्रकारचे आहेत। त्याच्यात रेडियमचे जर 500 रुपयाचा खर्च असेल त्याच्यात 32 रुपये घेतात RTOमध्ये, ग्रामीण RTO नागपूर तसेच ग्रामीण सिटी RTO नागपूर। आणि स्पीड गव्हर्नरचं 2000 रुपयाचं टॅक्स असेल त्याच्यात 5.5 ते 6000 रुपये घेतात। फास्टॅगचं लेटर 300 रुपये असेल त्याच्या 1500 रुपये घेतात। त्याचप्रमाणे एक त्याला रिन्युअल करण्याकरता जे काही आपला लेटर लागतो स्पीड गव्हर्नरचा, ते जे वेगवेगळ्या कंपन्या असतात टाटा असो किंवा महिंद्रा असो त्या गाडीवाले जर त्यांच्याकडनं ते पत्र घ्यायला जातात ते फुकटाचं पत्र त्यांच्याकडनं 1500 रुपयात घेत असतात। तर असल्या प्रकारचं प्रचंड प्रमाणात आर्थिक फसवणूक वाहतूकदार वर्गाची वेगवेगळ्या माध्यमातून होत आहे। त्याकरता आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेतर्फे या ठिकाणी संप पुकारला आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याबद्दल आम्ही पत्र पाठवूच। हिंगना से NBCN न्यूज के लिए आशीष गोंडाने की रिपोर्ट।